बढ़ेंगे आगे। उज्जैन के देवास रोड स्थित शर्मा परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने सभा को संबोधित किया। दरअसल त्रिशूल दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया और इस आयोजन का उद्देश्य हिंदुओं को जागृत करना है। यहां कार्यक्रम में शामिल हिंदुओं को त्रिशूल वितरित किए गए और हिंदुओं को एकजुट होने की शपथ दिलाई गई। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जनसंख्या कानून बनाना ही होगा। दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को 10 साल की सजा होना चाहिए। हिंदू सुरक्षित नहीं है, यही कारण है कि कर्नाटक में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। सभी राजनीतिक दलों को हिंदुओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की चिंता करना चाहिए। एक दल हिंदू के साथ है, दूसरा विरोधी है, तो साथ में उनको फायदा होता है। दोनों हिंदुओं के साथ है उस स्थिति में जो दल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हिंदुओं की सुरक्षा देंगे उनको ही फायदा मिलेगा। इसलिए हिंदुओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की चिंता देश के सभी दलों को करनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। हिंदुओं को नियंत्रित करने का कानून बनाना ही होगा। हम बनवा के रहेंगे। हम देश में किसी भी कीमत पर मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ने देंगे। कानून बनाएंगे और कहीं कानून बनता है तो उल्लंघन करेंगे, उसको सजा होती है। तो दो से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमानों को 10 साल कैद की सजा का प्रावधान भी हम करवाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने महाकाल मंदिर में दर्शन पर लग रहे शुल्क पर कहा है कि हम मंदिरों में दर्शन के लिए लगने वाले सभी प्रकार के शुल्क का विरोध करते हैं। शुल्क नहीं लेना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया ने शुल्क पर कड़ा विरोध जताया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस मुद्दे पर मेमोरेंडम ऑलरेडी दिया है। हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि भगवान के दर्शन के लिए कोई टैक्स शुल्क नहीं होना चाहिए और भगवान के दर्शन पर टैक्स लगाना यह पाप है। यह स्पष्ट हमारा मंतव्य है। हमने यह स्टैंड लिया है। शहडोल में बीजेपी ने बूथ संकल्प